कॉमरेड एस पी सिंह जी सलाम, आपसे हम बस जानना चाहते हैं बेगूसराय की मौजूदी हालात, जो अभी चुनाव होने जा रहा है 29 अप्रैल को, कई सालों के बाद वामपंथी राजनीति के बारे में एक लहर जैसी नज़र आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? यह चुनाव अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये पहला संसदीय चुनाव पूरे देश का नरेंद्र मोदी का नाम और उसके प्रतिरोध का प्रतीक क्रांतिकारी बेटा कन्हैया ही आमने सामने है। इस देश का कोई उम्मीदवार आमने सामने नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के मतदाताओं के बीच में कहता हूँ कि बेगुनाह क्रांतिकारी बेटा कन्हैया के शरीर पर माननीय पटियाला कोर्ट में जो थप्पड़ और मुक्के से प्रहार किया गया, जितने थप्पड़ जितने मुक्के लगे बेगुनाह के शरीर पर जो दाग आज हुए हैं, उतने लाख से बेगूसराय के मतदाता उसकी जीत को पक्की करने जा रहे हैं। यह संदेश अब दुनिया को सुना दीजिए और मोदी सहित शिकस्त उनकी नाव हम डुबाएंगे बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर। कॉमरेड, आपने कहा कि बहुत ही एक खतरनाक राजनीति का इस्तेमाल की कोशिश की जा रही है कि दंगा भड़काया जाए। डीएम साहब ने भी आपको बुलाया और ये बात आपके सामने रखी, इसके बारे में कुछ चंद शब्द। पिछले दिनों भी रामनवमी और कार्तिक दशहरा के मौके पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने एक तेगरा हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे गांव में दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की, भड़काया भी। और एक जैसे नजीब का बेटा लापता है आज तक, वैसे एक मुस्लिम महिला मुस्लिम माँ का बेटा आज तक लापता है। इन बजरंगियों ने हत्या करके गायब कर दी है लाश। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर, हमारा AISF के जितने भी छात्र थे, इन लोगों ने संयुक्त प्रयास करके और हमारा इप्टा 3 रात 4 रात जग करके हमने अकलियत के लोगों को और उन हिंदुओं को भी जो हमारे साथ थे जो सेकुलर फोर्स, उनकी हिफाजत की और इसका असर पूरे जिले में आज भी कायम है। हमने कुर्बानी दी है बेगूसराय की धरती पर सेकुलरिज्म के झंडा को बचाए रखने के लिए। और अभी फिर परसों की घटना है कि बजरंग दल ने बैठक की है, फिर रामनवमी में हथियार बंद जुलूस निकालने की तैयारी की है। अभी मैं पीस कमेटी की बैठक से आ रहा हूँ, जिला प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को हमने इतला कर दिया कि किसी भी प्रकार का हथियार जुलूस में नहीं जाएगा, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई ट्रंप नहीं बजेगा, नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, आप रोक लगाइए और धारा 144 पूरे जिले में लागू कीजिए, बिना लाइसेंस कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस का रूट माइनॉरिटीज मोहल्ला में नहीं जाएगा, ये आज आप घोषणा कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी हम भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को लिखेंगे। आपके हाथ में एक जजमेंट है, ये हमारे हाथ में है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार। ये कॉमरेड केदारनाथ सिंह इसी बेगूसराय की धरती बरौनी गाँव के रहने वाले थे। इनका केस सेडिशन का चला, मुंगेर था पहले जिला, बेगूसराय बाद में बना 72 में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको सजा कर दी सेडिशन में, चले गए पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, फिर वो कॉमरेड केदारनाथ सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया 1962 में, क्रिमिनल अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन क्रिमिनल अपील नंबर 169 ऑफ 1957, ये पेज 77, अपील बाय स्पेशल लीव फ्रॉम द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड द 9th अप्रैल 1956 ऑफ द पटना हाईकोर्ट,
नंबर 445 और 95 लास्ट कंक्लूडिंग कि नारा लगाना सिडिशन नहीं है, 124A लागू नहीं होता है। दिस कोर्ट एज ए कस्टोडियन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन हैज द ड्यूटी कास्ट अपॉन इट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ व्हिच वी आर कंसर्न इन दिस केस, बट द फ्रीडम हैज टू बी गार्डेड अगेन। एंड लास्टली मैडम, देयरफॉर द क्रिमिनल अपील 169 ऑफ 1957 हैज टू बी डिसमिस्ड। क्रिमिनल अपील 124-126 ऑफ 1958 विल बी रिमांडेड टू दिस कोर्ट हाई कोर्ट टू पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट एंड प्रॉपर इन दिस लाइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय अस। सो अपील नंबर 169 ऑफ 1957 डिसमिस, बिहार सरकार की अपील डिसमिस हो गई और केदारनाथ सिंह की जो अपील थी वह अलाउड हो गई। दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज हिस्टोरिक जजमेंट इन द इंटरनेशनल लॉ। दिस हैज बीन डिपेक्टेड इन ऑल बुक्स लॉ जर्नल्स नॉट इन इंडिया बट सो मैनी कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमारे कन्हैया पर तो देशद्रोही का केस बनता ही नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने, सम्मानित कोर्ट ने हमको रेगुलर बेल ग्रांट कर दिया है और इसको हम जीतेंगे।